अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, कहने जाते कहने उन पर सीबीआई डील लग रहा है और कोई सिंडिकेट नहीं है, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। ये लोग समझते हैं जो बीजेपी के अंदर गया वो उसमें से जब निकला तो उसका सारे दाग और बाकी जो लोग विपक्ष में है वो सब दागदार है। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सिंडिकेट है तो कौन माफिया है, ये सर्टिफिकेट आपको देने का काम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता की, इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया, बोले कि कोई लड़ाई ही नहीं है, बीजेपी पर कई आरोप लगाए। वहीं भू माफिया को लेकर भी बड़ी बात कही है, कौन भू माफिया है, सिंडिकेट के आरोपों पर बीजेपी ने सिंडिकेट का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि कौन है भू माफिया, कई सारी बातों को कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आप वो सुनिए। कोई लड़ाई नहीं असेंबली के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो है देश की मूल समस्या जो है उस पर कहीं केंद्र सरकार आ ही नहीं रही है। केंद्र सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि इस देश में, इस देश की जो मूल समस्या है उस पर चर्चा ही नहीं, क्योंकि अगर मूल समस्या पर चर्चा हुई तो इनके पास कोई जवाब नहीं। आज देश की सबसे मूल समस्या है महंगाई। आप बताइए महंगाई कहाँ है भाई? 1974 का आंदोलन हम लोगों ने किया इस देश में, जो देशव्यापी आंदोलन हुआ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसमें हम भी थे, हरिंदर जी भी थे उस आंदोलन में। उस समय जो महंगाई का स्तर था आज उससे कई गुना ज्यादा महंगाई, लेकिन महंगाई पर यह चर्चा होने नहीं दे रही। कभी सरकार की तरफ से ये आया क्या कि महंगाई बढ़ी है अगर तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कारण है कि वो महंगाई पर चर्चा होने ही नहीं देना चाहते। बेरोजगारी का सवाल है, आपने 2014 के चुनाव में ये वादा किया कि नहीं किया? भाजपा के लोग यहां वोट मांग रहे हैं, सब जगह वोट मांग रहे हैं, हम आपके माध्यम से हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप ये बताइए कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने इस देश को यह वादा किया कि नहीं कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना? देखिए जो आरोप हमने देखा है, परसों हमको देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनका भी बयान हम जब कल पटना से चल रहे थे देखे, किसको धमकी देते हैं, अपने गिरवान में झांक के देखें। जितनी बार गए, बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या? मोइली क्या है? दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में, अभी हाई कोर्ट ने कहा कि उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, कहने जांच हो रही है, कहने उन पर सीबीआई डील लग रहा है। और जो आरोप यहां लगा रहे थे वो भी कई बार यात्रा कर चुके हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे क्या? वो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में गए थे, कई बार जेल की यात्रा जो किए हैं अपने गृहवान में जाग के देखे, और कोई सिंडिकेट नहीं है, बीजेपी वॉशिंग मशीन ये लोग समझते हैं, जो बीजेपी के अंदर गया वो उसमें से जब निकला तो उसके सारे दाग धुल गए और बाकी जो लोग विपक्ष में हैं वो सब दागदार हैं, आएगा सिंडिकेट होगा। यहाँ सबको मालूम है सबसे बड़ा जम भू माफिया कौन है, वो हम लोग के पार्टी में भी कुछ दिन थे, हम लोग के भी पार्टी में कुछ दिन रहे, तो आप ही नाम बता रहे हैं तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? सब लोग हमने कुछ कहा नहीं, आप बता दिए नाम तो हम आप ही को कर रहे हैं, सब जान रहा है। हम लोग की पार्टी में भी शुरू में शरद यादव जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे उनके थ्रू आए थे, कुड़न्नी अति है यहाँ का औराई का उपचुनाव वो लड़े थे, शरद यादव जी ने उनको टिकट दिया, उसके बाद ही उनको, उनके बारे में हम लोग को मालूम हो गया
अगले समय से उनको विदा कर दी। अरे तो सब जान रहा है, बोछा में तो बच्चा बच्चा कह रहा था। और वो किसके संरक्षक उनके कौन है यह भी जान रहा है। जो आरोप परसों लगा रहे थे वो उनके संरक्षक हैं, और उनके एक नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो प्रभारी यहां थे कभी के, जिनके वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ा तीस मार का है तो कुल्हन्नी का, पांच गांव का नाम वो बताएं जो उनके समाज का वोट, पांच गांव का नाम वो बताएं। और गिनती के बाद अगर उस पांच गांव में उनको वोट नहीं मिला तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इसकी घोषणा करें। वो पांच को नाम अपने समाज का बताएं जहां वो वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, वोट ट्रांसफर करा नहीं सकते, कोई पूछ रहा नहीं है, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सिंडिकेट है तो कौन माफिया है, ये सर्टिफिकेट आपको देने का काम है। अरे आप अपना बताइए ना, अपने गिरिवान में जा के देखिए, जो कई बार जो यात्रा किए हैं अलग अलग जगहों पर, और कई बार जो कई मुकदमे हैं वो सब स्वतंत्रता आंदोलन के हैं। तो आपने सुना कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा। वो बोले कि भू माफिया कौन है। ललन सिंह ने एक बार फिर भू माफिया का नाम लेकर चर्चा का विषय बना दिया है। आपने सुना होगा कि ललन सिंह किसको भू माफिया कहते हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कुंडली में तो कोई लड़ाई नहीं है, हमारी जीत तय है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।